एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक डिवाई में स्थित कर्णवास गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 60 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने मिथिलेश देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 6000 की आबादी एवं 2700 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 717 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 181 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 85 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिवोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, तालाब, स्वास्थ्य केंद्र व पंचायत घर का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 596 इज्जत घरों व 10 लोहिया आवासों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, ट्रीटमेंट प्लांट, पानी की टंकी, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम राजपाल सिंह है, प्रधान प्रति ग्राम कर्णवास और ब्लॉक डिवाई, तहसील डिवाई, थाना डिवाई और प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य कराए गए। मतलब 8 जगह रास्ताओं का निर्माण कराया गया है, एक नाले का निर्माण कराया गया है, 596 शौचालयों पर कार्य प्रगति पर है और 3 सार्वजनिक शौचालय जीर्णोद्धार कराया हुआ सार्वजनिक शौचालय पर और गांव में पंचायत घर का जीर्णोद्धार कराया गया, उसकी बाल बाउंड्री कराई गई है और उसमें नीचे फर्श भी कराया गया है इंटरलॉक और हमारे गांव में पेंशन काफ़ी कम लोगों की बनी हुई है, जो कि उसके सापेक्ष कम से कम 250-300 पेंशनों की और आवश्यकता है और हमारा गांव पौराणिक गांव है। इस गांव को पर्यटक स्थल में आने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जगह काफ़ी दूर दूर से लाखों की संख्या में यहाँ जगह लोग आते हैं और उनके आने के रहने के लिए यहाँ जगह रैन बसेरे बनवाए जाएं और कुछ सार्वजनिक शौचालय और बनवाए जाएं, पानी की टंकी यहाँ होनी चाहिए, सभी खम्भों पे मतलब LED बल्ब लगनी चाहिए और कूड़ेदान, गाँव में कूड़ेदान की हर गली में व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि कहीं गंदी ये लोग ना फेंकें और कूड़ेदान का ही इस्तेमाल करें और बिजली के खम्भे वो पर्याप्त हैं हमारे यहाँ गाँव में। सफाई कर्मी एक है तो उससे काम नहीं चलता है, एक सफाई कर्मी और होना चाहिए, क्योंकि गांव बड़ा होने के और ऊंचा नीचा होने की वजह से एक सफाई कर्मी सफल नहीं हो पाता और कुछ जो लोग राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं उन लोगों के भी राशन कार्ड बनाए जाएं और लोगों को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और असहाय लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए और लोगों को प्रधानमंत्री आवास 50 आवासों की पूरे गांव में आ सकता है और हमारे यहाँ कुछ सड़कें
ख़राब हैं, गांव को जोड़ने वाली जो बिजली घर और उसकी तरफ जाती है अस्पताल की तरफ सड़क से, वो ख़राब है, वो नई बनाई जानी चाहिए शासन द्वारा। और एक इंटर कॉलेज वाली रास्ता वो भी गांव को जोड़ती है, वो भी ख़राब है, वो भी होनी चाहिए उसमें। और गंगा का तीर्थ स्थान है, यहाँ जगह तीर्थयात्री प्रतिदिन आते हैं। शमशान घाट, यहाँ जगह शमशान घाट की विशेष आवश्यकता है। और यहाँ शब्दाग्रह नहीं बने हुए हैं, वो भी बनाए जाने चाहिए।